त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ऐलान होते ही अपने अपने उम्मीदवार को जिताने को लेकर नेताओं में होड़ मची है। मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष भी अपने बेटे को जिताने के लिए लगातार सक्रिय हैं और लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन अचानक से विधानसभा अध्यक्ष का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष एक आम आदमी से चुनौती भरी शब्दों में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष और रीवा जिले के देवतालाब विधानसभा से विधायक गिरीश गौतम के पुत्र राहुल गौतम वार्ड क्रमांक 27 से जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं। गिरीश गौतम लगातार अपने पुत्र का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उसके लिए वोट मांग रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान कुछ लोग राशि न मिलने की बात उठा रहे हैं, जिसके बाद वो भड़क गए। सोशल मीडिया में वायरल हो रहा ये वीडियो सोमवार का बताया जा रहा है, जो अड़वा सरैहा गाँव का है, जब वो अपने पुत्र राहुल गौतम के प्रचार में क्षेत्र में जगह जगह लोगों से मिल रहे थे। उसी दौरान कुछ लोगों ने खाते में राशि ना भेजने का मुद्दा उठा दिया और जब कुछ लोगों ने खाते में राशि ना भेजे जाने की शिकायत की तो विधानसभा अध्यक्ष भड़क गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। मैं कह रहा हूं। खाते में गया, यही तो मैं कह रहा हूं। अच्छा, मैं चुनौती देता हूं, हनुमान जी के सामने चुनौती देता हूं, यदि खाते में पैसा मिल गया, इस गांव का एक वोट नहीं चाहिए मुझको, मैं इनकार करके जाना चाहता हूँ। चलिए, मंजूर है सबको? मंजूर है? मंजूर है? मैं चुनौती दे रहा हूँ, एक भी मैं चुनौती दे के जाना चाहता हूँ। माता बहनों, एक वोट नहीं चाहिए, जिसको तबीयत हो उसको दे लेना। यदि सारे लोगों का पैसा आरटीजीएस में नहीं गया तो खाते में नहीं गया उनके, ठीक है। वहाँ पे बोल रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी अभी जयंती फैसला हो जाएगा। और मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ, चेक से या नगद हाथ से किसी को पैसा गया हो तो भी मैं इस्तीफा दे दूंगा। यदि आरटीजीएस से नहीं गया पैसा, तो खाते में पैसा नहीं गया तो कैसी बात करते हैं? ठीक है महाराज, हम मान लेते हैं, इसका छानबीन हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आइए मेरे पास, कल आइए, जब आप बोलिए तब हम आ जाते हैं। आ जाइए ना जी, बिल्कुल आइए। पर ये जनता को भी जानना चाहिए कि कौन बरगला रहा है, इनको भी जानना चाहिए, इनको भी जानना चाहिए ना कि कौन बरगला रहा है। बिल्कुल। इसलिए मैं कह रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है महाराज जी, सच्चाई थोड़ा कड़वी होती है। कड़वी नहीं है, झूठ कड़वा होता है। आप झूठ बोल रहे हैं, इसे कड़वा है। हम एकदम सच, आप नहीं, सच नहीं बोल रहे, मैं चुनौती देता रहा हूँ, स्वीकार करिए ना। स्वीकार करिए। यदि आरटीजीएस से पैसा गया है, इस गांव का एक वोट फिर दूसरे को नहीं जाना चाहिए, चुनौती में आपको नहीं जाएगा। ये तय है, तय हो गया हमारा आपका, तय हो गया। यदि इस गाँव के भीतर आरटीजीएस से खाते में पैसा नहीं गया तो एक वोट गाँव का नहीं चाहिए। यदि आरटीजीएस से गया है तो किसी दूसरे को भी पैसा नहीं, वोट एक भी नहीं जाएगा। हाँ ठीक है, चलो नहीं जाएगा। यही हो जाए हमारा आपका, यही हो जाए सुरेंद्र सिंह, यही हो जाए। आप बड़े हैं, है ना, छोटे हैं, छोटा नहीं, मैं चुनौती दे रहा हूँ ना, छोटा चुनौती में स्वीकार कर रहे हैं। चुनौती में छोटा बड़ा नहीं लगता पंडित जी, चुनौती में छोटा बड़ा नहीं लगता, चुनाव में छोटा बड़ा नहीं लगता। कोई 70 साल का लगता है, कोई 35 साल का लगता है, इसलिए वो चुनौती मैं आपकी स्वीकार करता हूँ, आप स्वीकार करो। आपका एक भी वोट बाहर नहीं जाएगा, सही दूध का दूध हो गया तो। फिर वही दूध का दूध, मैं तो एक बात कह रहा हूँ पहले, फिर आप भाग जाओगे ना, आप फिर कोई तर्क उठा लो, आप खुद कोई तर्क उठा लो। दूध का दूध पानी या पानी नहीं, केवल एक लाइन, यदि पैसा इस गाँव के लोगों के खाते में आरटीजीएस से बैंक में नहीं डाला गया, बैंक के खाते में पैसा नहीं गया, तो मुझे इस गांव का एक वोट नहीं चाहिए। मंजूर है भाई, अरे सबको ठीक है ना, अपने खिलाफ वोट मांगी लहन भला। यदि आरटीजीएस से पैसा गया तो फिर किसी दूसरे को एक। इस वायरल वीडियो के बारे में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का कहना है कि चुनाव का समय है, एक जगह मैं जनसंपर्क में था, बैठक में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बैठक को डिस्टर्ब करने का और लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। बैठक के दौरान मैंने कहा कि इसी ग्राम में मैंने सैकड़ों लोगों को स्वेच्छा अनुदान का पैसा दिया है। इस दौरान वहां मौजूद एक व्यक्ति द्वारा कहा गया कि ये पैसा अमीरों की जेब में जाता है, गरीबों की नहीं, आपके आदमियों का जिसे मन हुआ उसे दिया जाता है। तब मैंने कहा कि अब तो चेक और कैश से पैसा ही नहीं मिलता, सीधे आरटीजीएस होता है और खाते में जाता है। तो कुछ लोगों ने कहा खाते में नहीं गया, तब मैंने चुनौती दे डाली कि मेरे दिए पैसे में कोई एक पैसा भी खाता है तो मैं राजनीति से बाहर चला जाऊंगा। वो हमारे पक्ष का वीडियो है और उनको पता नहीं, जिनने किया वायरल वो शायद उनके खिलाफ जाएगा। एक जगह मैं जनसंपर्क में था तो कुछ लोग, आप जानते हैं चुनाव का समय है, किस तरह के लोग कुछ बीच में मिल जाते हैं जो पूरे बैठक को या तो डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं या भ्रमित करके रखते हैं लोगों को।
अच्छा था वहाँ पर बैठे थे। एक सवाल आया कि हमने कहा कि काफ़ी लोगों को इसी ग्राम पंचायत के भीतर 100 से 125 लोगों को मैंने शिक्षण दान का पैसा दिया, विधायक निधि से भी दिया है और स्पीकर निधि से भी दिया, गरीबों का जिनका वो आया उनको दिया। तो वो बोले कि गरीबों को नहीं मिलता, अमीरों को मिलता है, और आपके आदमियों की जेब में जाता है, फिर उनकी तबीयत आती तो बांटते हैं कि नहीं बांटते हैं। तो मैंने कहा ऐसा तो होता ही नहीं है, कैश वाला तो सिस्टम ही नहीं है, सरकार ने ही नहीं बना के रखा है, तो ये कैश का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। चेक का भी हम ही ने बंद कर दिया, अब तो सीधे RTGS होता है। तो वो कहे कि नहीं साहब RTGS नहीं हुआ, किसी को नहीं गया है। तो हमने कहा कि हमने 147 लोगों को दिया, सबका RTGS हुआ है। तो एक चुनौती की मुद्रा में वो हो गया कि नहीं किसी को नहीं गया है, तो फिर मैंने चुनौती ले डाली और मैंने कहा कि मैं ईमानदारी की राजनीति करता हूँ, भ्रष्टाचार की नहीं करता हूँ, और मैं चुनौती देता हूँ और आज भी देता हूँ, अभी भी दे रहा हूँ चुनौती कि मेरे लिए भाई पैसे में कोई एक पैसा दिखाता है तो मैं राजनीति से बाहर चला जाऊँगा, मैं ऐसे राजनीति करने वालों में से नहीं हूँ। आज फिर चुनौती दे रहा हूँ। आपने कहा था इस्तीफा भी दे दूँगा। हाँ इस्तीफा दे दूँगा। हाँ हाँ नहीं वो ये भी कहा कि नहीं तय ये हुआ है, अभी कल फिर जा रहे हैं आप, चलिए आप लोग कल फिर जा रहे हैं, तय हुआ कि कल का तारीख तय हुई है, हम 4 बजे आएंगे, जिनको पैसा मिला है वो बता देंगे कि नहीं हमारे खाते में नहीं आया है। तो मैंने कहा कि फिर हमारा जो 2 पत्ती का चुनाव हमारे करने उसको वोट मत देना, मैंने खुद अपने खिलाफ़ वोट मांगा और मैं जानता हूं कि कल वो नहीं रहेंगे, ये चुनौती देने वाले कल नहीं रहेंगे उस मीटिंग में, मैं जा रहा हूँ 4 बजे। अटवा सुरैहान, अटवा सुरैहान है वहाँ का है, कोई एक दो लोग थे, सब नहीं थे, सब तो बेचारे खड़े थे हाथे में था, वो तो बल्कि उन्हें कह रहे थे कि ऐसा क्यों बोलते हो, पैसा मिला, वही ये सूची मेरे पास है। रीवा से अनुराग अग्निहोत्री की रिपोर्ट।